खबर यूपी के मऊ से है, जहां एक शख्स की हत्या के बाद भड़की हिंसा और आगजनी में लोगों ने पुलिस वैन और पुलिस की बाइक में आग लगा दी। मऊ के चिरायाकोट थाना इलाके में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़का। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर पथराव रखकर जाम लगा दिया और जब वहां पर पुलिस पहुंची उनको हटाने के लिए तो गाड़ियों में पथराव करने लगे और फिर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तनाव को देखते हुए अब इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या हुई है वो मंगलवार देर शाम पुलिस भर्ती के लिए साथियों के साथ दौड़ लगा रहा था, तभी तीन अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। जो गांव है उसमें ये सूचना मिली थी, तीन लड़के थे जो कि शाम को दौड़ने जाते थे, जिसमें अरविंद नाम का एक लड़का था और उसके दो साथी थे जो आज शाम को दौड़ रहे थे। उसी वक्त अरविंद पे किसी ने हमला किया और जो दो लड़के थे वो डर के वहाँ से भाग गए। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको शक है कि एक राहुल है, उसके द्वारा ये गोली चलाई गई है। जो जिन लड़कियों के साथ में वो दौड़ने गया था उनको बुलाया गया है, उनसे बात कर रहे हैं। अभी मौके पे शांति है, हम लोग जो गांव के प्रधान है बाकी लोग हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं।